चपक, अरे रे 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 रे। तो गाइस मेरे एक बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। गाना बजाते बजाते जाएंगे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने। फ्राइडे को शाम का 5 बजते ही फटाफट अपना साइकिल लेके आएंगे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज गाइस मैं जा रहा हूँ उदलाबाड़ी। एक उदलाबाड़ी एक छोटा सा टाउन है, 40 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ सिलीगुड़ी। तो और वो मेरा होम टाउन भी है। आज मैं अपना होम टाउन जा रहा हूँ उदलाबाड़ी। तो वहाँ पर जाके मैं आपको उसका टूर कराऊँगा, दिखाऊंगा कि उदलाबाड़ी कैसा है। मैंने अपना स्कूलिंग क्लास 10 तक उदलाबाड़ी से ही किया है, डॉन बॉस्को स्कूल उदलाबाड़ी। तो मेरा 80% लाइफ का अभी का जितना भी उम्र है, 80% लाइफ का टाइम उदलाबाड़ी में ही गुजरा है। तो अभी अपन उदलाबाड़ी ही जा रहे हैं। उदलाबाड़ी गए हुए 2 से 3 महीना मेरा हो गया है, बाइक लेके मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो अब जब 11-12 करने के लिए मैं सिलीगुड़ी आ गया, तो सिलीगुड़ी आने के बाद उदलाबाड़ी जाना थोड़ा बंद हो गया। तो यार तुम्हारे बचपन की जगह है यार, याद तो तुम्हें आएगी। तो वही बस आज आपको ले जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा मेरा प्यारा उदलाबाड़ी। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो भाइयों देखते देखते सेवक भी आ गया। वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, शायद वहाँ पे बारिश ही हो रहा है। पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो धूप है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, विजिबिलिटी ठीक ठाक है, बस थोड़ा थोड़ा धुंध है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उमस ज़्यादा है, पर दैट्स ओके गाइस, क्योंकि हवा लगे जा रही है, पसीना सब सूखते जा रहा है। और ये हमारे राइडर लोग भी जाते हुए, ये रहा हिमालयन, पूरा स्टिकरिंग विकरिंग सब किया हुआ है भाई साहब। और आज का सीन देखिए गाइस, पूरा सनी डे है, ऊपर से थोड़ा बहुत क्लाउड भी है। सेवक आ गया, अब बढ़ते हैं उदलाबाड़ी की तरफ। तो यहाँ से उदलाबाड़ी रह गया कम से कम 20-25 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो गाइस। देखो भाई, ये है ध्यान भटकने का नतीजा, कितने सामने चला गया था ट्रक के, एकदम एंड मोमेंट पे इसको ध्यान आया और ये अपने लेन पे आया। तो भाई ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। ओम नमः शिवाय, जय भोले। तो ये भोले बाबा की मंदिर यहाँ पे, और इसके आगे है काली देवी का मंदिर। देख सकते हैं भाई, पूरी तरह पहाड़ पे सिचुएटेड है ये, और इस तरफ पे ये पहाड़ में पूरी तरीके से फैली हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। That was a Versys 1000 Kawasaki। भाई आज बादल वाले दिन हो रहे हैं, मेरे को लगता है बारिश आएगी। बारिश आएगी तो आप तो जानते ही हैं गोप्र के साथ क्या हाल होता है। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Actual जो मैंने अभी टर्निंग लिया, हिसाब से उस रास्ते से आते समय ये टर्निंग लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे व्यू चेकआउट करें गाइस, क्या हाल है यहाँ पे। और आज रिवर का कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल जो सीज़न होता है, रेनी सीज़न है, दैट्स वाई मड मिट्टी विट्टी सब ज़्यादा है, नहीं तो ऐसे ब्लू रहता है उसका कलर और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है गाइस। फौजी भाई साहब, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है यार, अपना घर परिवार छोड़ के हमारे रक्षा करते हैं। मैंने सल्यूट किया, सर जी ने मुंडी हिलाई, मेरे को बेहद अच्छा लगा यार, कितना अच्छा लगा। आई होप वो कैप्चर हुआ हो। चपक, अरे रे 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 रे, बच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा गाना लगा लेंगे यार, गाना बजाते बजाते जाएंगे, ट्राई करते हैं। ये स्पीकर मैं आपको बैक का स्ट्रैप में माउंट कर दूंगा, साउंड तो उतना नहीं आ पा रहा है, आई गेस अब आ रहा होगा।
चार कदम बस चार कदम, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, रमता डरे राराय डरे। तो गाइस मेरे एक बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उसको अभी देखूंगा। गाइस मैं यहाँ पे अभी थोड़ा ढीला होने आया और मेरे को ये दिखा, अगर आप देख पा रहे ये जान निकल गई भाई, हेलमेट के ऊपर था, जान निकल गई। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को गोप्रो वोप्रो सब निकालना पड़ा क्योंकि बारिश आ रही है और अभी मेरे को रेनकोट पहनना पड़ेगा। तो रेनकोट पहन के अब निकलता हूँ यहाँ उदलाबाड़ी के लिए, क्योंकि अब तो गोप्रो लगाने का मतलब नहीं क्योंकि बारिश आ गई है। तो चलिए गाइस चलता हूँ, अगर बारिश रुक जाती है तो मैं आपको फिर से मिलूँगा। तो गाइस 2 मिनट के लिए बारिश रुक गई तो मैंने वापस गोप्रो लगा लिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे को हल्का हल्का प्रॉब्लम हो क्यों रहा था, किसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि मैं फर्स्ट गियर में अगर इसको लॉन्च करता हूँ ना, फुल थ्रॉटल देने से ये थोड़ा सा लैग कर रही है। क्या हुआ कि मतलब इनिशियली लैग कर रही है, उसके बाद आरपीएम पकड़ रही है। तो वापस देखते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट करता है कि नहीं। वापस बारिश आने लगी तो जैसे मैं छोड़ूंगा, तो अभी तो उतना नहीं आया लेकिन बारिश ज़रूर आ गया यार, इसको वापस रखना पड़ेगा गोप्रो को। अब एक बार वापस देखते हैं 2 मिनट के लिए, नहीं थोड़ा सा लैग कर रही है गाइस, लैग कर रही है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, अभी बंद कर देते हैं। गाइस तो मैं अभी वासाबाड़ी पहुंचा हूँ, भागते भागते ये खड़ी मेरी बाइक, और ये पीछे बैग है तो इसलिए ये जैकेट का चेन लगा नहीं, तो राइडिंग जैकेट भी मेरा भीज गया। अभी यहाँ पे वासाबाड़ी पे खड़े हैं, यहाँ से मैं आया, काफ़ी बारिश हो रहा था। अभी फ़िलहाल तो बारिश रुक गई है लेकिन पीछे नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत आप बादल भी देख सकते हैं भाई साहब, हद है। अभी मैं वासाबाड़ी में था, अभी यहाँ पे आ गया हूँ, साला जहाँ पे रुक रहा हूँ वहाँ पे बारिश नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ पे रुक के गोप्रो लगा रहा हूँ वहाँ पे बारिश ज़रूर आ रही है। कमीनी साली, हद है भाई, जहाँ रुक रहा हूँ जहाँ गोप्रो जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ पे बूंदाबांदी हो रहा है, हद है। गोप्रो खोल के यार बीच रास्ते में मेरे को वापस अंदर ढुकाना पड़ रहा है ये सोच के कि बारिश आएगी, और जब घुसा दे रहा हूँ अंदर तब पता चल रहा है कि नहीं आएगी, हद है भाई। क्या बोला, बहुत तंग किया बारिश ने। तो गाइज ये है मेरी प्यारी उदलाबाड़ी, मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है, तो यहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ है, क्लास 10 तक स्कूलिंग अपन ने यहीं किया है, तो बचपन के सारे दोस्त यहीं बने हैं, जितनी मेमोरीज यहीं बनी है, ट्यूशंस यहीं बने हैं। और एक ख़ास चीज़ बचपन में, जो मेरा जो साइकिल था, मेरी फर्स्ट साइकिल, वो एक हरकुलस थी, हरकुलस छोटी सी हरकुलस रेंजर साइकिल थी, हालांकि वो चोरी हो गई। अफसोस यार, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था यार, रक्षाबंधन का दिन था, सुबह उठ के देखा तो वो साइकिल थी ही नहीं। सो दो पहिए के मामले में वो मेरा पहला प्यार था गाइज, उसे लेके इतना घूमता था कहाँ घूमूँ, उदलाबाड़ी ही घूमूंगा, तो जिन गलियों में मैं घूमूंगा, जैसा कि अपने टाइटल में भी देखा, जिन गलियों में मैंने घूमा है साइकिल लेके, वही गलियां मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो ये आ गया उदलाबाड़ी, ये सामने उदलाबाड़ी का मेन मार्केट है, तो अभी यहाँ से तो पहले मैं घर जाऊँगा, उसके बाद मौसम को मद्देनज़र रखते हुए देखूँगा। तो साइकिल लेके मैं बहुत बचपन की गलियों में घूमा करता था और इंतज़ार करता था कि फ्राइडे कब आए, क्योंकि फ्राइडे को क्या होता था कि क्लास 6-7 का बात है, वो साइकिल नई थी, तो फ्राइडे को क्या होता था कि फ्राइडे को हमारा ट्यूशंस नहीं होता था फ्राइडे को, तो और सैटरडे को स्कूल छुट्टी होता था, तो मतलब रुके रहते थे यार कि कब फ्राइडे आए। और जैसे फ्राइडे आती थी, स्कूल से आए, बैग वैग फेंके, फटाफट नहाए धोए खाए, साइकिल लेके गायब, पूरा उदलाबाड़ी घूमेंगे। और मेरा एक दोस्त था तो उसके साथ रेस लगाया करते थे वो गलियों में। तो चलिए दिखाता हूँ, और बहुत दिन बाद मैं वो गली में भी जाऊँगा, तो मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरे को कैसा फील होने वाला है वो गली में जाके, तो आई होप। तो चलिए चलते हैं। हे भगवान, यहाँ पे तो हालत ख़राब है यार, चारा तो है नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार, इसके चक्के बड़े बड़े हैं ना, तो अपन इसको कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हाँ गाइस मेरा घर आ गया, अब मैं घर में बैठूंगा थोड़ी देर, उसके बाद निकलूंगा आपको उदलाबाड़ी का सैर कराने। तो गाइस मैं घर अभी पहुंचा, ये रहा बाइक, तो घर में 2 मिनट रेस्ट करके वेदर देख के अब चलेंगे उदलाबाड़ी का टूर कराने।
तो गाइस अपन रेडी है, ये रहा मेरा जुगाड़ बारिश से बचने के लिए। आई होप बारिश आए ना, जैसा कि आप मौसम देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बादल छाया हुआ है। और ये रही मेरी बाइक, तो चलते हैं मार्केट की तरफ से और मैं उत्तराखंड की थोड़ी थोड़ी सैर कराता हूँ। सामने बाज़ार आएगा तो मैं आपको बाज़ार की तरफ से लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि उत्तराखंड का बाज़ार कैसा है। तो ये सामने है एक मेरा दोस्त का घर, ये राइट साइड में केशव बोल के उसका नाम है, तो मेरा इसका दोस्त का घर है। तो आइए बाज़ार तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये रहा गाइस उत्तराखंड का बाज़ार, ये है मेन मार्केट। पूरा बचपन यहीं पे घूमे हैं, यहीं से सामान लिए हैं, यहीं से 10 रुपये का कुरकुरे लिए हैं और 1 रुपये का च्युइंगम भी यहीं से लिए हैं। अरे यार बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो गाइस ये है मेन मार्केट, फ़िलहाल तो अभी एकदम क्या बोलते हैं फाका फाका दिखता है, नहीं तो यहाँ पे एक ट्री था, वो ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता था। हालांकि अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया, तो डेवलपमेंट ख़राब नहीं है, पर वो रौनक जो पहले थी वो अभी चली गई है। तो मेरे को जाना है इस साइड जाके जो गली में मैं खेला करता था, फ्राइडे कब आएगा उसके लिए रुका रहता था कि फ्राइडे कब आएगा। फ्राइडे आते ही बस दोस्तों के साथ वो गली में एकदम निकल जाना था लेके। तो बस अभी वो गली में आपको दिखाता हूँ, वो बस सामने ही है, तो वो गली में मैं खुद ही बहुत दिन बाद जाऊँगा। तो आइए देखते हैं, अभी हम लोग को लेना है यहाँ राइट लेके ये गली से जाना है। बस भाई यो, और सामने आप बादल देख सकती हैं, बस इसी का डर से मैं गोप्रो में प्लास्टिक लगाया। तो ये सब्जी मंडी उत्तराखंड के, सारा सब्जी वब्जी अपन यहीं से खरीदते थे, अपन क्या मेरे दादाजी खरीदते थे, और यहाँ से मेरे दोस्त का घर जाता है। और ये जो सामने जो गली देख रहे हैं, यही गली में हम लोग पूरा घूमा करते थे, खेला करते थे। आइए दिखाते हैं, फ्राइडे को शाम का 5 बजते ही फटाफट अपना साइकिल लेके आएंगे, यही गली है, जस्ट ये गली में। और वो जो मैंने बोला कि मेरा दोस्त का घर वहाँ पे है, तो वो घर उसका घर से लेके ये गली पहले एकदम अच्छा हुआ करता था, रोड एकदम प्लेन हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत भयंकर अपन रेस किया करते थे यार, ये गली को देखिए बहुत दिन हो गई। और ये है उत्तराखंड का हीरा रोड, यहाँ पे मेन मार्केट है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोलते हैं कि ट्यूशन थे, ये गली में हम लोग का ट्यूशन था, तो ये गली में अपन ट्यूशन पढ़ने आते थे। और ये गली का भी काफ़ी भयंकर किस्सा है। और भाई ये जगह देख लो, ये जगह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है यार, पहले यही रास्ते से अपन स्कूल जाया करते थे, साइकिल भी अपन यही रास्ते से, ये कूड़ा फेंकने का जगह है उत्तराखंड का, साइकिल भी अपन यही रास्ते में कूदाते थे, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और हम लोग का सामने स्कूल भी है, तो स्कूल का रास्ता भी यही था, सुबह सुबह हर समय जो हम लोग का ड्राइवर अंकल थे, हीरो अंकल, वो आते थे गाड़ी लेके, और वो गाड़ी में बैठ के, ये गाड़ी में बैठ के यही रास्ता अपन जाया करते थे, आया भी करते थे। और ट्यूशंस भी हम लोग का यहीं है, तो ये रास्ता के साथ, मतलब वो बचपन थी ना यार, क्लास 6-7 का बात था, तो क्लास 6-7 में उतना बुद्धि तो होता नहीं था, बस घूमते रहते थे नादान की तरह, बस यही वो गली है। और यहाँ पे मतलब मेमोरीज तो इतने सारे हैं, इतने सारे दोस्त हैं, और बहुत दिन बाद मैं ये गली में आ रहा हूँ। स्पेशली ये बाइक को लेकर मेरे को खासी मन था कि जहाँ पे मैंने अपना साइकिल चलाया है, जिन गलियों में मैं साइकिल चलाया हूँ, जो मेरा फर्स्ट प्यार था, दो पहिया, मेरा लाइफ का फर्स्ट दो पहिया था, उसमें मैं साइकिल वाइकिल चलाया हूँ, सब दोस्तों के साथ घुमा हूँ, मेरे को बहुत मन था कि इसको भी यार मेरी ये KTM भी आ जाए। तो यार और यहाँ पे मेरा दोस्त का घर था, तो यहाँ पे भी अपन एक ट्यूशन पढ़ने आते थे। और ये ग्राउंड जो सामने हल्का फुल्का जहाँ पे घास हो गया है, वहाँ पे अपन फुटबॉल खेला करते थे थोड़ा बहुत, हालांकि आता नहीं है उतना खेलने, लेकिन खेल लिया करते थे। यार सब कुछ कितना चेंज हो गया है, कितना फाका लग रहा है। अब ये गलियाँ कितनी छोटी लग रही है यार, पहले बहुत चौड़ी लगती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, इतनी छोटी, मतलब अब पता नहीं है, अपन बड़े हो गए, अपन का गाड़ी बड़ा हो गया, पर गली तो वही है यार। हाँ थोड़े नए नए घर तो आ गए हैं ऑब्वियसली, ये सब गली में घूमते थे अपन साइकिल लेके। फ्राइडे शाम होते ही भगा के आएंगे, मतलब ट्यूशन होता नहीं था, हाँ दूसरा दिन अपन का छुट्टी रहता था, तो बस फ्राइडे का। और ये कर्व भाई साहब वैलेंटिनो रॉसी फेल है, ऐसा कर्व लेते थे ये कर्व में, यहाँ पे भी मतलब भयंकर कर लेते थे, एकदम सुता के साइकिल भाई साहब। लेकिन वो साइकिल अपनी बहुत प्यारी थी, उसे मैंने बहुत चलाया था, लेकिन वो चोरी हो गई थी। ये कर्व में, ये रास्ता में घूमते रहते थे भाई, घूमते रहते थे पागलों की तरह, शाम हुई रात हुई घूमते रहते थे, दोस्तों के साथ रेसिंग लगाया करते थे भाई, बहुत मज़ा आता था। अब यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है गाइस ये सब छोटी छोटी गलियों में। सामने एक हम लोग का टीचर है दीपांजन सर, उनका यहाँ पे, बस यहीं पे उनका घर है, तो उनका घर भी यहीं है, तो यहीं पे हम लोग का दीपांजन सर का घर है। और ये रोड भी पहले पतला था, अभी काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया है, तो
तो सर का घर में जाते थे, बैठते थे, घूमते थे। और संडे का दिन भाई साहब चार चार ट्यूशन, दिमाग ख़राब हो जाता था मेरा और मेरा दोस्त का, हालत एकदम मतलब पतली हो जाती थी चार चार ट्यूशन करने में। लेकिन तब हम लोग बोलते थे कि क्या ज़िंदगी है यार, कैसी है वैसी है, लेकिन भाई वही सबसे ज़्यादा अच्छी थी। तो आगे चलते हैं गाइस, तो आगे मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाता हूँ कि मैं क्लास 10 तक कौन सा स्कूल में पढ़ा हूँ। स्कूल का नाम है डॉन बॉस्को स्कूल उदलाबाड़ी। तो रोड तो आए हाय 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 है, काफ़ी चकाचक रोड बना दिया गया है। चलिए गाइस आगे मैं आपको अपना स्कूल दिखाता हूँ। मेरा बचपन का स्कूल है, क्लास 10 तक वही पढ़े हैं। जितना हरामी के लिए हम लोग वो स्कूल में किए ना भाई साहब, मतलब टीचर्स क्लास बंक करके टॉयलेट में जाके छुपना, हाँ टॉयलेट में, हालांकि मैम को पता है कि हम लोग टॉयलेट में छुपे हैं, मैम आवाज़ें लगा रही हैं कि भाई निकलो निकलो निकलो, लेकिन हम और मेरा एक दोस्त था प्रसन्नजीत, एक दूसरे का मुंह दाब के बैठे हैं ताकि हंस रहे हैं, एक दूसरे का मुंह दाब के बैठे हैं ताकि आवाज़ ना निकल जाए, हंसी का आवाज़ ना चले जाए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे किस्से तो मतलब बहुत सारे हैं। अरे अभी यार बहुत याद आती है फर्स्ट स्कूल, किसको नहीं याद आता है यार, किसको नहीं याद। आप कमेंट करिएगा आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है। आने वाली है सामने स्कूल, तो आइए अपन स्कूल भी दिखा देते हैं। तो ये है गाइस अपन की डॉन बॉस्को स्कूल उदलाबाड़ी, यहीं पे अपन पढ़ाई लिखाई किए हैं। और जितना भी है राम, ये साइड तो बहुत मतलब क्या बोले, गाँच वाँच था ये सब तो काफ़ी ज़्यादा बना दिया है, हालाँकि आज क्लोज डे कोई होगा नहीं। तो ये है अपन का स्कूल, सामने पार्क है, यहीं खेलते थे कूदते थे बचपन के सारे किस्से सब कुछ भाई यही स्कूल में बने हुआ है। बहुत दिन बाद देख रहा हूँ यार, अंदर जाने का तो बड़ा मन है। लास्ट में स्कूल का अंदर गया था क्लास 10 का रिजल्ट लेने, उसके बाद तो कहाँ चांस ही नहीं मिला और गए भी नहीं। चलो गाइस प्रसन्नजीत, गाइज मैं अभी जो बोल रहा था आपको कि मैं टॉयलेट में बैठ के मतलब हम लोग एक दूसरे का मतलब क्या बोलते हैं मुंह तोप के हंसते रहते थे, वो यही दोस्त है कमीना साला। गाली मत दे भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। कैसा ब्रो? हे गाइस, तो मैं आपको जैसा अभी बता रहा था कि मेरा एक दोस्त था जो टॉयलेट में हम लोग छुपते थे, क्लास बंक कर टॉयलेट में छुपते थे, एक दूसरे का मुंह बंद करते थे ताकि हंसी का आवाज़ ना निकल जाए, वो कौन है भाई? रास्ते में जा रहा था, ये देखो यही मिला भाई छक पर। यह बहुत दिन बाद इससे भेंट हुआ है, तो आज इससे मुलाकात हो गई, काफ़ी सारे बातें हो गई, बहुत दिन बाद भी इसको देखा, ये भी हालांकि मेरे को भी बहुत दिन बाद देखा होगा। गाइस यार ऑसम, हाँ इतना दिन बाद मतलब आओ तो मतलब अब क्या बोले, सोने पे सुहागा नहीं बोलते हैं। अब हम रास्ते में बारिश हो गए, हम सोच रहे हैं क्यों आया, लेकिन भाई चलो वर्थ इट हो गया कि कम से कम एक दोस्त तो देखने को मिल गया, जिसके बारे में जस्ट मैंने उसे 15 सेकंड पहले बताया होगा ये स्कूल के सामने, और वही दिख गया। बताओ ये देखो गाइस, इन्हीं का पल्सर बाइक था, बचपन में बाइक चलाना नहीं आता था तो इनका पल्सर बाइक में घुमा करते थे, और आज ये मिल गए और हमारा बाइक उधार रहे हैं यार, बहुत दिन बाद इससे भेंट हुआ। गाइस अपन अब स्कूल में भी जा रहे हैं। अरे भाई साहब कहाँ से रास्ता बना दिया रे? तो गाइस पहले यहाँ से सीधा रास्ता हुआ करता था, हम लोग यहाँ पे आते थे खेलते थे, पड़ा पैसा एकदम मोटो जीपी जैसा कर्व रेस ट्रैक बना दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत दिन बाद आ रहे हैं यार स्कूल में, वो रहा पार्क जिसका मैं बात करता था और उसी के साथ आ रहा हूँ, इत्तेफाक देखो जिसका बारे में बात कर रहा था उसी के साथ घुस रहा हूँ वापस स्कूल में। और ये साइड एकदम अलग चेंज कर दिया है, इस साइड भी देखो ये तो हॉस्टल्स है। अरे बाप रे, रेनोवेशन फुल जोड़ों शोरों में चल रहा है, एकदम चेंज वेंज हो गया। तो हे गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन एरिया है हम लोग का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन हो चुका है, पहले ये सब जगह कुछ था नहीं, अब ये सब जगह सब आ चुका है यार। बहुत दिन बाद इसको देख रहे हैं, यहाँ पे आके बैठते थे, यहाँ पे फीस देते थे, यहीं पे बैठते थे, और जो भी प्रैक्टिस होता था सब सारा यहीं पे होता था। तो आइए इस साइड हॉल है, तो गाइस ये सब रहा हम लोग का असेंबली हॉल, यहाँ पे तो बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं बचपन से, एकदम जब छोटे थे तभी यहीं पे खेला करते थे ये जनाब के साथ, बहुत सारे मतलब ये स्कूल पे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और इससे भी पूछ ले, इसका भी बेस्ट टाइम ही होगा क्लास 10 तक, तो उसके बाद तो और वैसा कोई टाइम आने वाला है नहीं, क्लास 10 का टाइम ही अपन का बेस्ट होता था भाई, बहुत याद आता है वो सब टाइम। और ये हमारा प्रिंसिपल का रूम लगता है यार, कब स्कूल लाइफ वापस आ जाए, है ना? हाँ मतलब वो क्लासरूम वाशरूम वो सब याद आते हैं, बस अब याद ही करने का चीज़ रहेगी वो सब। और ये सब प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पे हम हजारों बार आते थे, भरा हुआ रहा था सारा डायरी। और ये हम लोग का सारा भाई लोग बास्केटबॉल सब खेलते हुए, और ये बास्केटबॉल कोर्ट पहले था नहीं अभी बन गया है। स्कूल से अपने दोस्त को भी भाई बोल दिया मैंने,
तो बस अंदर से घुसे वही आपको दिखाया विखाया, बस यही है, यही अपनी छोटी सी उतला बड़ी। ठीक है यार, इत्तफाक से दोस्त भी मिल गया यार, गजब हाल है, एकदम मजा आ गया। तो चलो बस अब चलते हैं घर। हे गाइस, तो जाते जाते उतला बड़ी में ही, ये सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, सिलूर जाते समय दिखेगा, उसके जस्ट ऑपोजिट में एक भैया का मोमो दुकान है। यहाँ पे भैया चिकन मोमो बनाते हैं मस्त, तो अब वो चिकन मोमो खाते हुए जाएंगे। ये रहे वो भैया, भैया हाय बोल दीजिए। तो बस भैया चिकन मोमो दे देंगे, बस भैया का चिकन मोमो खाएंगे यहाँ से और चलते बनेंगे। तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क की है। तो ये जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, जब सेवक की तरफ जाएंगे उसकी जस्ट ऑपोजिट में ही ये है। तो जब आप आइएगा तो ज़रूर एक बार, ज़रूर मतलब इट इज़ अ मस्ट, यहाँ का चिकन मोमो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा ही करिएगा। तो गाइज ये रही अपनी मोमो, मोमो तो आ गई, अब फटाफट इसको फिनिश करते हैं। शाम भी होने वाली है, बारिश भी आ सकती है, जैसा कि आपने देखा मेरा क्या हालत हो गया था। बस इसको फटाफट फिनिश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज ये था मेरा अपना उतला बड़ी का व्लॉग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर और आप कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखा आपने, आपने कुछ भी फील किया, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, आपका फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट दो पहिया कौन सा था, ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहूँगा। बस गाइज अगर आप अभी तक ये व्लॉग देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे व्लॉग को बने रहने के लिए, तो और मेरी बचपन की गलियाँ देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग रियल सून। आशा करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और राइड हार्ड, राइड सेफ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय।